नमस्कार, तेज खबर 24 के साथ मैं शेल्बी और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, रीवा सहित 5 शासकीय मेडिकल कॉलेज के लगभग 1500 जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल जारी की है। जूनियर डॉक्टर मानदेय बढ़ाने सहित 6 अन्य मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सचेत सक्सेना ने बताया कि जूनियर डॉक्टर के प्रति सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। उनका कहना है कि एक तरफ तो हम विद्यार्थी बताकर हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हड़ताल पर जाने के बाद हमें सरकारी कर्मचारी मानकर और हमारी सेवाओं को अत आवश्यक घोषित करते हुए एस्मा लागू कर दिया है। बताया गया है कि जूनियर डॉक्टर अपना मानदेय बढ़ाने के साथ ही मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा लगाई जा रही फीस कम करने तथा पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी के बाद डॉक्टरों को ग्रामीण सेवा बांड के तहत दिए जा रहे मानदेय को 36,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग प्रमुख तौर पर कर रहे हैं। वहीं जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफे सौंपने के बाद अपने हॉस्टल भी खाली करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि शासकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध संजय गांधी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से वहां स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ गई हैं। यहां मरीज परेशान हो रहे हैं, ऑपरेशन टाल दिए गए हैं, इससे अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इलाज और जांच की व्यवस्थाएं पूरी तरह से बिगड़ गई हैं। बता दें कि अकेले रीवा में 50 से ज़्यादा ऑपरेशन टाल दिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल होने से पहले ही सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून एस्मा लगा दिया था, बावजूद इसके जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं जूडा के समर्थन में IMA समेत मेडिकल कॉलेज के शिक्षा चिकित्सा संगठन भी आगे आ गए हैं। बताया गया है कि SGMH, GMH और सुपर स्पेशलिटी को मिलाकर 190 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। चिकित्सकों की कमी के चलते इलाज की व्यवस्था संभालने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने संजय गांधी अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर के ICU में भर्ती मरीजों को सेकेंड फ्लोर के ICU में शिफ्ट किया है। इसी तरह इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों को इलाज के लिए वार्ड में फेरबदल किया गया है। सीनियर रेजिडेंट की ड्यूटी 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है। बताया गया है कि कैजुअलिटी में जूनियर चिकित्सकों के नहीं होने से दिक्कत हुई है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि समझाइश के बाद भी जूडा काम करने को तैयार नहीं हुए हैं। हालांकि मरीजों के उपचार और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अस्पताल के सीनियर चिकित्सकों ने मोर्चा संभाल रखा है।